जय हिंद एवरीवन, दिस इज ओमकार सर फ्रॉम ए सुतेजा अकेडमी पुणे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, सो आज का जो लेक्चर होने वाला है लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स, इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले। इस लेक्चर में हम कंसेप्ट पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। ओके, सो बेसिकली हम स्टार्टिंग से बेसिक से चालू करेंगे कि लीनियर इक्वेशन में होता क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल होता क्या है सर? ये जो वेरिएबल आप पढ़ा रहे हो वो बेसिकली होता क्या है? वेरिएबल्स नाम में ही वेरी होते हो। ठीक है, तो ऐसी वैल्यूज, ठीक है, अननोन न्यूमेरिकल वैल्यूज मीन्स क्या सर? अगर मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये जो x एंड y, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आइदर x की वैल्यू 2 हो सकती है, y की वैल्यू 4 हो सकती है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की वैल्यू 3 हो सकती है, कुछ भी x एंड y की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स, जो कि हमें पता नहीं होते, अननोन न्यूमेरिकल वैल्यूज। ओके, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होते हैं एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। अभी काफी ऐसे लोग होंगे जिनको एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन के बारे में पता नहीं होगा या फिर उन दोनों में का डिफरेंस पता नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन, अरे एक्सप्रेशन हम बेसिकली इसके बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है एक्सप्रेशन, आपके फेस पे जो एक्सप्रेशन होते हैं, आपके मन में क्या है वो उससे एक्सप्रेस कर पाते हो आप। ठीक है, हमें इसके बारे में पढ़ना है क्या? नहीं, बेसिकली हमें पढ़ना है एक्सप्रेशन के बारे में, जो कि है ये वाला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, सो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन डिफरेंस समझ लो, दोनों में का डिफरेंस क्या होता है। एक्सप्रेशन मीन्स जिसको किसी के साथ इक्वेट नहीं किया होता। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है? अगर इसको आपने इक्वेट किया किसके साथ? जीरो के साथ। कोई भी इक्वेशन हो, 2x प्लस 3y प्लस 6, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। बट अगर इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ या फिर किसी और वैल्यू के साथ, तो उसे हम कहेंगे इक्वेशन। ठीक है, ये होता है डिफरेंस एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन में से। ठीक है, उसके बाद सर एक्सप्रेशन और इक्वेशन समझ में आया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, लीनियर इक्वेशन हम सीख रहे हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, लेकिन लीनियर इक्वेशन बेसिकली होता क्या है? तो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन मीन जिस वेरिएबल की डिग्री वन हो। ठीक है, जिस वेरिएबल की डिग्री वन हो। ठीक है, इसमें फिर कौन कौन से वेरिएबल होंगे? इसमें वेरिएबल्स होंगे एक्स होगा, वाई होगा। इक्वेशन कैसे होंगे? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल है x, जिसकी डिग्री क्या है? 1। डिग्री मीन्स हम उसे पावर भी कहते हैं। ओके, सो उसकी पावर क्या है? पावर है 1। नेक्स्ट इक्वेशन ले लीजिए 2x, या फिर 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x की डिग्री है 1। 3x माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसमें वेरिएबल्स कितने? वेरिएबल्स है 2, x एंड y, बट इन दोनों की डिग्री क्या है? इन दोनों की डिग्री क्या है? x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 ही है। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन हमें सबसे पहले क्या देखना है कि वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1, सो दैट वो लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास ऐसा कोई भी अलग इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x की डिग्री कितनी? x की डिग्री यहाँ पे 1 है क्या? नहीं, यहाँ पे x की डिग्री 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ क्या? बिल्कुल नहीं, इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। ठीक है, उसके बाद लीनियर इक्वेशन के भी कुछ फॉर्म होते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले। सो कौन से फॉर्म होते हैं? इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स, ऐसे दो फॉर्म होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी वन वेरिएबल आपको पता है, वन वेरिएबल मतलब क्या? जो ऐसा एग्जांपल या फिर कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो,
उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल में क्या होगा, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। वेरिएबल कितना है इसमें? वेरिएबल ए की है जिसकी डिग्री वन है। मीन्स ए एग्जाम्पल जो है एक्स प्लस टू, इसे हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल बोल सकते हैं। ओके, और कौन कौन से होंगे, वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, ये भी एक एग्जाम्पल है। वाई प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स, ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, किसका होता है, वन वेरिएबल के लिए। ओके, मगर जब बात आती है टू वेरिएबल्स की, ओके, सो टू वेरिएबल्स के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो इसके एग्जाम्पल्स कैसे होंगे, इसके एग्जाम्पल्स सिंपल है, टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेरिएबल्स कितने हैं, एक्स वाई दो वेरिएबल्स है, दोनों की डिग्री वन वन है। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल और वन वेरिएबल, जो भी हो। ठीक है, सो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब होता क्या है, अभी यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल वन वेरिएबल में होगा क्या, एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल सॉरी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे वेरिएबल्स कितने, वेरिएबल ए की है। ठीक है, ये वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब इसका सर सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सॉल्यूशन मीन्स क्या, जब आप एक्स की कुछ वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन। ओके, सो इसे हम इक्वेट कैसे करेंगे, 2x प्लस 3 को अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो होगा माइनस 3, सो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, सो x इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 2। ओके, सो इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है जिसका सॉल्यूशन क्या हुआ, माइनस 3 बाय 2। सो कभी भी याद रखिए, जब भी आपको पूछेंगे सॉल्यूशंस कितने होंगे, जब इक्वेशन वन वेरिएबल में होगा सो सॉल्यूशन एक ही होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखेंगे, एसपीआई जैसे एग्जाम में इस बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, अब बात आती है टू वेरिएबल्स की। ओके, यहाँ पे समझ लीजिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। ओके, एक एग्जाम्पल है, इसमें अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ टू, ओके, सो एक्स इज इक्वल टू टू, सो वाई इज इक्वल टू कैसे होगा, सो एक्स इक्वल टू टू होगा तो टू प्लस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, सो वाई इज इक्वल टू माइनस सिक्स। ओके, सो एक्स की वैल्यू जब टू पुट की मैंने, सो वाई की वैल्यू मुझे मिली माइनस सिक्स। अगर मैं एक्स की वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो एक्स की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो वाई की वैल्यू क्या होंगी, सो वाई की वैल्यू होंगी माइनस फोर। ओके, अगर मैं वाई की वैल्यू जीरो पुट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या होंगी, एक्स की वैल्यू होंगी माइनस फोर। मीन्स इस पे से आपको पता क्या चलेगा, ध्यान दीजिए, हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, हम प्रूफ करना चाहते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस कितने होते हैं। सॉल्यूशंस इनफिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, अगर आप एक्स की वैल्यू चेंज करोगे तो वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इसे हम बेसिकली कैसे लिखते हैं, टू कॉमा माइनस सिक्स। ठीक है, इसे हम लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, जीरो कॉमा माइनस फोर। ओके, सो इस टाइप से हम इसे लिखते हैं। तो सर इसके एग्जांपल्स कैसे होंगे, इसके एग्जांपल्स आपके सामने, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल्स है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, एक्स अपॉन टू प्लस फोर वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल है क्या, बिल्कुल है। क्यों, यहाँ पे देखिए, एक्स इंटू वन बाय टू, उसे हम कहते हैं एक्स बाय टू प्लस फोर वाई इज इक्वल टू जीरो। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए क्या चाहिए, दो वेरिएबल्स है जिसकी डिग्री वन है। ठीक है, ये लेक्चर बेसिकल मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेक्चर बेसिक है, जो कि जिन स्टूडेंट्स ने 10 तक उनका सिलेबस कवर नहीं हो पा रहा था, या फिर हम उसे कह सकते हैं कि आपने लीनियर इक्वेशन जहाँ पे पढ़ा नहीं था
तो इसीलिए मैं बेसिक से कवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 34। तो सर ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल है क्या? ये एग्जाम्पल नहीं है। द रीजन इज एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर है अंडर रूट एक्स, सो इसकी पावर कितनी होगी, एक्स रेस टू 1/2, ठीक है। सो बेसिक थिंग हमने सीखी थी, दोनों वेरिएबल्स की पावर कितनी होनी चाहिए, 1। यहाँ पे x की पावर 1 नहीं है, सो दैट ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एग्जाम्पल नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल जो है, इस टाइप का एग्जाम्पल भी हमने लिया था, x की पावर है 2, ठीक है। सो ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको एक अलग से चैप्टर है, उस पर भी हम वीडियो बनाने वाले, ओके। थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल आप खुद से सॉल्व कर लीजिए, ओके। सो इसके बाद क्या आता है सर, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स में जब होता है तो आपने बताया कि सॉल्यूशंस कितने निकलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलते हैं, तो उसका एक ग्राफ भी होता है, ठीक है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल भी है, उसको लेके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ओके। सो यहाँ पे देखिए, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू, एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, सो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेंगे, x की वैल्यू जब 0 हो जाएंगी, सो y की वैल्यू हो जाएंगी 3, बिकॉज 2 यहाँ पे जाके डिवाइड होगा एंड y इज इक्वल टू 3, ओके। सो 0, 3, जब मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, तो मुझे x की वैल्यू डायरेक्टली 6 मिल रही है, ओके। आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए इसमें, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 6। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, सो y की वैल्यू क्या होंगी, 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 1, सो y इज इक्वल टू 5/2, ओके। सो y की वैल्यू क्या हो गई, 5/2। तो इससे सर अगर हम इसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक लाइन का इक्वेशन, ओके। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है, अगर हम उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमें किसका ग्राफ मिलेगा, हमें मिलेगा लाइन का ग्राफ, ओके। सो बेसिकली एसपीआई ग्राफ के बारे में तो एग्जांपल आपसे पूछने वाला है नहीं, ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बता दिया था, ओके। सो इसका हमें यूज कैसे करेंगे, या फिर इसका यूज करके हम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सी मेथड है, साइमल्टेनियस मेथड, ओके। साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये भी काफ़ी सिंपल है। अगर आपको कोई भी दो इक्वेशंस दे होंगे, मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 4, अगर यहाँ पे दो इक्वेशंस दिए, बेसिकली होता क्या है, हमें फाइंड क्या करना होता है, ठीक है, x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। सो सर x एंड y की वैल्यू मतलब क्या होता है, मान लीजिए इसका एक लाइन, आप अगर इस लाइन का ग्राफ कहाँ पे तो प्लॉट करेंगे, सो फॉर एग्जांपल ऐसे एक होगा और इस टाइप से एक होगा, ठीक है। सो ये जो पॉइंट होता है, ये हमें बेसिकली फाइंड करना होता है, ठीक है। तो वही वैल्यू होती है x एंड y की। तो सर इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके हम इसे सॉल्व करते हैं, ओके। तो एग्जाम में कैसे एग्जाम्पल पूछेंगे, इस टाइप से एग्जाम्पल आपको पूछा जाएंगे, ओके। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, टू साइमल्टेनियसली इक्वेशंस आर गिवन एज 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 7, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ओके। सो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो हम फाइंड कैसे करेंगे, तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नाइन्थ और टेंथ में आपने पढ़ा था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। फिर भी हम इसे सॉल्व करेंगे, अब दोनों में से माइनस कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर दीजिए, ओके। सो 3x माइनस 2x, सो बाकी रहा x प्लस वाई माइनस वाई, सो 0 इज इक्वल टू 7 माइनस 5, सो 2, सो x इज इक्वल टू 2, ठीक है। सो x की वैल्यू हमें जब 2 मिल जाती है, तो कोई भी दोनों इक्वेशन में से आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो। सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5,
एक्स की वैल्यू कितनी है, 2, तो पुट कीजिए 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, सो वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 1, ओके। सो एक्स एंड वाई की वैल्यू तो हमें मिल गई, एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज इक्वल्स टू 1, सो इसे हम लिखेंगे कैसे, 2, 1, ओके। सो इस तरह से हम उस पॉइंट को नोट करते हैं, तो इस टाइप से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके, साइमल्टेनियस मेथड का यूज करके। तो हम इस एग्जांपल में पूछा क्या था, इस एग्जांपल में हमें किसकी वैल्यू पूछी थी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 2, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। सो आपके लिए कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स दिए, ठीक है। आज का जो वीडियो था हमारा बेसिक के लिए था, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, वो लेक्चर जल्दी अपलोड होने वाला है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ये जो एग्जांपल दिए, स्टार्टिंग के एग्जांपल्स जो 4 एग्जांपल्स है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिए, उसके बाद 5, 6 एंड 7 नंबर के जो प्रॉब्लम है ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। इस टाइप से टाइप के एग्जांपल आपको इस पे जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सर इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, उसके लिए हम अगला वीडियो देखेंगे, ठीक है। अगला वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो इसे ऐसे ही होगा कि वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है या फिर वर्ड्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, ओके, ठीक है। At last, thank you and Jai Hind.